पेपर लीक इसलिए होता है, सरकार को डर है अगर सारे जनता पढ़ा लिखा हो जाएगा ना, ये हमारा गला पकड़ लेगा आके। जब पता चला कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव के विभव कुमार का हाथ है, वहाँ से बंद हो गया मुंह इनका। मैं तो कांग्रेस वालों को बोलता हूँ, जब तुम लोग डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ कांग्रेस वालों। तुमने 70 साल में देश को नहीं लूट पाया। व्हाट्सएप पे इतने चीज आता है कि ये नहीं था मोदी जी उठ लूट लिया, अरे आंख खोल करके देख लो देश की अर्थव्यवस्था। ये शादीशुदा नहीं है, इसके पास महंगाई नहीं है। जो शादीशुदा है उनसे पूछिए। शादीशुदा तो राहुल गांधी भी नहीं है, उसको कहां महंगाई दिखता है रोज। कोई भी कौम का हो, किसी का मजहब का भी, कभी गलत काम ना करे, ऐसा कानून बनाओ। अगर कोई चीज बनाए तो टूटेगा देश। चश्मा होता है, सेना को कमजोर मत कर, कैमरामैन फोकस कर, सेना बहुत मजबूत। लोकसभा चुनाव के दौरान एक शब्द जो है काफी चर्चा में रहा और वो है संविधान। जी हाँ, संविधान को लेकर जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया और संविधान पर जो है लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर निशाना बनाते हुए विपक्षी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना बनाया और कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के राज्य में संविधान खतरे पर है। और इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है जब कल परसों की हाल ही में जब घोषणा की गई कि 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब इस पर जो है दिल्ली की जनता का क्या कहना है कि किस हद तक जो है ये जो दिवस जो मनाया जाएगा अब से 25 जून को किस हद तक सही है ये संविधान के बारे में पूछ रहे हैं ना, जो संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, इसकी शुरुआत जो है कांग्रेस ने की थी। जो बार बार जो ये उकसाने वाली कार्रवाई हुई ना कि संविधान बदल देंगे, जबकि सच्चाई ये थी कि 25 जून को कांग्रेस के टाइम में संविधान की हत्या हुई थी। तो जब इन्होंने बार बार इस चीज़ की रट लगाई कि भाई संविधान बदल देंगे, तो एक तरीके से सत्ता पक्ष का काउंटर है कि जो है ये जो है इनके शासनकाल में, जो कि हकीकत था 25 जून को जो है ये संविधान की हत्या हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम में। कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने दावा किया था, विपक्षी पार्टियों ने, कि अगर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं राज करने लगेगी, अगर 5 साल फिर आ गई, तो कहीं ना कहीं संविधान जो है बदल दिया जाएगा। देखो, अगर बीजेपी ने अगर संविधान बदलना होता ना, तो पिछले 10 साल में जब वो धारा 370 को ख़त्म कर सकते थे और भी कई बड़े बड़े फैसले ले सकते थे, तो इसमें भी जो है बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जो उन्होंने करना होता तो उसी टाइम में कर देता। ये तो क्या था, एक जो है मतलब जो है चुनाव में एक मतलब वो प्रोपोगंडा फैलाने का वो था, जिससे अधिक से अधिक जो है उनको फ़ायदा मिले और लोगों में एक जो है ऐसा मैसेज जाए कि जो है संविधान की हत्या हो जाएगी या संविधान चेंज कर देंगे। और उस झांसे में कई लोग आ भी गए तो कांग्रेस को उसका फायदा हुआ और वो जो है 44 से जो मेरे ख्याल से 99 पहुंच गए। भाई यही सवाल ये भी आता है कि संविधान बदलना क्या इतना आसान है, कि जैसे विपक्षी पार्टी लगातार बोले जा रही है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया संसद भवन के बाहर, तो क्या इतना आसान है संविधान बदलना? भाई इतना आसान संविधान बदलना नहीं है, समय समय पे संविधान में संशोधन होते रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में भी हुए और जब जब भी जो सरकारें आई बीच बीच में उनमें संशोधन होता रहा है। वो कोई संविधान बदलने वाली बात मैंने कहा ना, वो कि अगर संविधान बदलना होता तो वो पिछले 10 साल में भी जब धारा 370 को ख़त्म कर सकते तो संविधान को भी चेंज कर सकते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 25 जून को जो है अब से जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है घोषणा कर दिया गया है, कितने सहमत है इस बात से? तो देखिए, वो तो जो कांड हुआ कांग्रेस वालों ने भी बोला गलती हुआ है। हाँ, भैया मुसलमान सबको पता है जो कांड जो हुआ था वो गलत हुआ था, क्योंकि लोकसभा के दौरान जो है देश में तो रोजाना आपातकाल पड़ रहा है, वो तो एक दिन पड़ रहा था, हमारे देश में तो हर रोज पड़ रहा है। किस तरह का आपातकाल? कभी किसी जगह में कोई मारी जा रहा, कभी कोई हमला हो रहा, अभी मणिपुर में क्या हालत हो गया वो भी तो एक हादसा ही है ना, अभी हाथरस का अंदर हो गया। ठीक है, ये हिंदुस्तान के अंदर जो जनता को ऐसे ही होगा, अभी जैसा हो रहा ना आगे भी ऐसे ही होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह समय हो रहा उसके बारे में कोई बात नहीं करता, बेरोजगार है। अगर रोजगार की बात बोल दूंगा ना, है तो मुझे बोला अगर ज़्यादा महंगा है तो पाकिस्तान चले जाओ, बोलेगा मुझे। ठीक है, ये बोल देगा। तो रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करेगा, अगर रोजगार के बारे में बात करोगे तो बोलेगा मोदी जी राशन नहीं देता है। तो भाई 4 किलो राशन है, वो भी हम तो कह रहे हैं वो भी बंद कर दो, तब भी लोग जी लेगा। तब तो रोजगार के लिए क्या करना चाहिए मोदी सरकार? देखिए, पेपर जो लीक होता है ना, देखिए हमने तो बहुत साल पहले पढ़ते थे, अब तो पढ़ाई नहीं करते, हमारा अपना कारोबार है, मैं ठीक हूँ।
तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो पेपर देते हैं ना, पेपर इतना मेहनत करते हैं, फिर उसकी इंती हमको जो पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, उसकी माँ से जाके पूछे, रात भर तक जागा रहता है बच्चे के लिए जब पढ़ाई करता है। मैं अपने पड़ोस के बच्चों को मैं देखता हूँ, चार पांच बच्चे हैं, इतना मेहनत से पढ़ रहे थे, उनका पेपर खराब हो गया, पेपर लीक हो गया, ये क्या है, ये सही नहीं है जी। लेकिन जिस तरह से जो आप कहने लगा, आप कानून बनाया भाई, 10 साल क्यों सो रहे थे, पहले क्यों नहीं कानून बनाया? पेपर लीक इसलिए होता है, सरकार को डर है, अगर सारे जनता पढ़ा लिखा हो जाएगा ना, ये हमारा गला पकड़ लेगा, के गला दबा देगा, हर चीज का पूछ उसको पता होगा ना, अब हम अनपढ़ है। अच्छा, हमारा पास अच्छा। बस सुनो, पहले अनपढ़ की बात नहीं है, हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर पढ़ा लिखा इसलिए पेपर लीक होता है, ये सबको पढ़ा लिखा बना देंगे ना, ये सवाल पूछेगा हमसे, जे तुमने चावल के अंदर क्यों 2 रुपया भरवाया, तेल के अंदर 5 रुपये क्यों भरा दिया? अबे भाई एक बात सुनो, सोने में एक बेवकूफ़ वाली बात है, सोने में कितना टैक्स है, दाल में कितना टैक्स है, बता दो, ये बता दो, तुम ही बता। पत्रकार महोदय, सबसे पहला बात है कि पेपर लीक का बात कहते हैं कि हम जिस जमाने में पढ़ते थे उस जमाने में पेपर लीक नहीं होता था, जानकारी के लिए बता देते हैं कि उस टाइम डिजिटल इंडिया नहीं था तो पेपर लीक नहीं होता। उसके बाद कहते थे कि सरकार पढ़ने नहीं देता है इसीलिए कि अगर जनता पढ़ लिख लेगा तो वो ये सरकार से सवाल पूछेगा। आपको बता देते हैं इससे पेपर लीक का कोई कनेक्शन नहीं है, जनता वैसे भी पढ़ेगा लिखेगा तभी वो पेपर देने के लायक वे ये एलिजिबल होगा, ठीक है, आप इस बात को समझिए। और उसके बाद अभी पेपर लीक पे ज्ञान दे रहे हैं, अब पेपर लीक पे ऊपर वाले भी ज्ञान दे रहे थे विपक्ष वाले, और जब पता चला कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव के विभव कुमार का हाथ है, वहाँ से बंद हो गया मुँह इनका। अब ये हाथरस पे ज्ञान दे रहे हैं, हाथरस पे जब पता चलेगा कि अखिलेश यादव का ये काम है तो वो हाथरस भी बंद हो जाएगा मुद्दा। विपक्ष वाले क्या नहीं किए, चुनाव के टाइम में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और जब सारा मुद्दा फेल हो गया, विपक्ष का सरकार फिर भी नहीं बन पाया, तब कहते हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी मणिपुर काहे नहीं जा रहे हैं। सबसे पहला बात है, मोदी जी ने सबके घरों में टाइल लगवा दिया, मैं जो है ना काला चश्मा पहन के देखता हूँ, मोदी जी ने तो जब चश्मा उतार देता हूँ ना देखता हूँ टाइल भी नहीं लगा हुआ। राहुल गांधी खेत में टाइल लगा दिया इनका, अरे जगे हुए हैं इसीलिए तीसरी दफा सरकार बना दिए हैं, सरकार बनाए हैं इसीलिए तीसरी बार। अबे भाई साहब, सरकार कोई भी आए ना, मैं इसकी पार्टी में हूँ ना किसी पार्टी में, सरकार कोई भी आए अच्छा काम करे ना, गरीब के लिए काम करे ना। आप, मैं रोजगार के बोलूंगा, आप बोलोगे मिलता नहीं मिलता, हमें मैं कह रहा हूँ 4 किलो राशन वो भी बंद कर दो। आप फिर है पूछोगे टॉयलेट बनाया नहीं बनाया, पहले लोग हगने नहीं जाते थे। हाँ बात सुनो, अभी जो कांग्रेस वालों ने अगर स्कूल नहीं बनाते ना, आप तुम और हम जो है ना टॉयलेट में जाते वोट डालने के लिए, उनकी देन मानो। हम ये नहीं कहते जो उसने सारे काम खत्म कर दी, ऐसी भी बात नहीं है। हम तो सुन तो लो, मैं तो कांग्रेस वालों को बोलता हूँ, जब तुम लोग डूब के मर जाओ कांग्रेस वालों, तुमने 70 साल में देश को नहीं लूट पाया, हमारा मोदी जी ने 10 साल में सब बटोर के बैठ गया। हाँ आंखें खोलो, हमारा कारोबार अच्छा है, हमारे लिए महंगाई नहीं है, सुन लो, फिर भी मैं महंगाई में बोलता हूँ, आप जो है शादीशुदा नहीं है, आप शादी सुन लो एक मिनट, ये शादीशुदा नहीं है, इसका बस महंगाई नहीं है, जो शादीशुदा है उनसे पूछिए शादीशुदा क्या है। शादीशुदा तो राहुल गांधी भी नहीं है, उसको कहा महंगाई दिखता है रोज, वो करोड़पति आदमी है, मैंने क्या बोला, हो गया, मैंने क्या बोला, हो गया, ज्ञान अंदर चले गया। व्हाट्सएप पे इतने को चीज आता है, व्हाट्सएप पे इतने चीज आता है कि ये नहीं था मोदी जी उठ लूट लिया, अरे आंख खोल करके देख लो देश की अर्थव्यवस्था। हम तो कहते हैं जिसको पिछले 10-12 साल में काम नहीं दिख रहा है उसके लिए नेत्रदान महादान है, आप आंख डोनेट करिए, जिनके पास नेत्र नहीं है वो नेत्र लेगा तो उनको पता चलेगा देश में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, अटल टनल, अटल सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगी बीगल ब्रिज बन रहा है, देश में 8 शहर से 22 शहर से मेट्रो में हो गया है। अरे बन तो रहा है, पुल भी तो गिर रहा है, उसको बोलो जो पुल गिर रहा है वो आप ही क्या का बनाया हुआ था, कांग्रेस के पार्टी के क्षेत्र में बना हुआ है, पता नहीं है आपको, दस साल पहले पुल बना था, पुल 10 साल पहले ये लाल किला किसने बनाया, बताओ किसने बनाया, मुगलों ने बनाया था ना, अगर इसमें ईट टूट जाएगा तो क्या बोलेगा,
क्या बोलेगा, क्या बोलेगा बीजेपी वाला बोलेगा जिसने नहीं, सुन तो लो, अरे सुन तो लो पहले, अरे सुन अभी ये पता क्या बोलेगा, अभी लाल किला टूट गया है ना, ये मंगोलों ने बनाया था, उसको कब्र से उठा के लिया, मंगोल वाले मंगोल सही करेगा। भाई भाई बीजेपी में तो आप हो ना, सत्ते में तो आप हो, जिम्मेदारी आप पे है ना। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, इस देश का जानकारी मेरे को बहुत है, मुगलों से नहीं होगा, अगर मुगल बनवाया नहीं बोला मैंने, मुगल अगर कोई चीज बनाया तो टूटेगा देश, उसने तो आप रोक नहीं पाई, अरे उसने तो बहुत बड़ा गलती कर दी। और सुनिए, हम लोग मुगल बनाएगा इसको टूटेगा, और जो विश्व धरोहर है, जो विश्व धरोहर है उसका नाम चल, बात समझ में नहीं आया इसको, ये ठीक है जा रहा है। मैंने बोला हूँ अभी एयरपोर्ट के छत गिर गया, आप पता क्या बोल रहा है, ये कांग्रेस वालों ने बनाया। अबे भाई सत्ता में तो तुम हो, जिम्मेदारी तो तुम पे है ना, रिपेयर तो कर सकते थे, ये कांग्रेस वालों को लेके आएंगे उसको सही करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लाल किला टूट जाए सही कौन करेगा, हमारा सरकार तो सही करेगा। राज्य सरकार क्या कर रहे हैं, राज्य सरकार को क्या काम है फिर, आप जो इतने बोल रहे हो, राज्य सरकार किस लिए बैठे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं आएगा तुम लोग, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, चश्मा पहन रखे हो, मतलब चश्मा उतार लो, ठीक है, ये जो चीज हो रहा ना देशों में, अभी नहीं भुगतेगा लोग, जब दूसरा नस्ल आएगा ना, क्या हो रहा है, ये जो नफरत पैदा कर रहा है, बताएंगे क्या हो रहा है, को लेकर पैदा कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, आगे का रीजन अच्छा नहीं होगा, इसमें तो बहुत अच्छा हो रहा है, अभी बहुत अच्छा हो रहा है, क्या खराब, बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। हाँ, जो मुद्दा जो इस वक्त हम लेकर आए थे वो संविधान के ऊपर लेकर आए थे, जिस तरह से जो है कई बार, एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार देखा गया है विपक्षी पार्टी को जो है अक्सर जो है बीजेपी सरकार को निशाना बनाती है और कहती है कि इनके राज्य में जो है कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, कि इतना आसान है ये चीज। तो बीजेपी का नेता तो खुद ही बताते हैं जी, आप लोग हमारे पूरे बहुमत से लाओ, हम संविधान को बदल देंगे, इनके ही तो बात है ना, बीजेपी दावा करती है। मैं बताता हूं संविधान के बारे में, जो बात करते हैं संविधान के ठेकेदार, इनको पूछिए कि अगर संविधान में महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का बात करती है विपक्ष या भाजपा ही करती है, तो आप पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जाते हैं, अभी कर्नाटक में उन्हीं के पार्षद की बेटी थी, यहाँ क्या हुआ था उनके साथ, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, मेवात में क्या हुआ था, तीन दिन पहले एक लड़की को पीटा गया, क्यों नहीं बोलता है, अभी एक रेप करके लड़की का यूपी में हुआ, क्यों नहीं हुआ है, आप ये बताइए। सुनिए, सबसे पहला बात नारी सशक्तिकरण का बात करती है, लोकतंत्र के बारे में ये बता रहे हैं, फिलिस्तीन जय का, कौन लगा था फिलिस्तीन जयकारा का नारा इस देश में, पन्नू कौन पर फिलिस्तीन जयकारा का नारा, इजराइल का सपोर्ट करेगा, फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे हम, और बता आपको मैं बता देता हूँ, यूएनओ अटल जी का भाषण सुना, अटल जी का भाषण सुना है, अटल जी का भाषण सुना है, सुना है, तेरा नेता है तू, सुना है नहीं थे हमारे, नहीं थे तुम्हारे भी थे, सबका नेता था, सुना तू उसका भाषण क्या बोला था, कब्जेदारी के खिलाफ नहीं बोलेगा तो सब कब्जा करेगा, क्या बोले थे, किसी पे भी कब्जा कोई कर लेगा, जिसके पास पावर रहेगा वो तेरा जमीन कब्जा करेगा, गलत होता है, इजराइल पे कब्जा करके दिखाओ, इजराइल पे कब्जा इजराइल पे कब्जा करेगा, ईरान के राष्ट्रपति जा चुका है ऊपर इजराइल पे कब्जा के चक्कर में, तो मतलब आपके हिसाब से जो जय फिलिस्तीन का नारा लगा था वो सही लगा है, बताए सरकार, भारत देश में आप रह रहे हैं तो भारत के प्रति आपको थोड़ा दिखानी चाहिए, कानून बताया ना कहाँ पे, वहाँ जय फिलिस्तीन अवैसी लगाया था, जेल में क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं करते थे फिलिस्तीन का, फिर बाद में इजराइल के सपोर्ट क्यों कर रहा है, अवैसी ने संसद में लगाया था जय फिलिस्तीन, तो क्या किया उसमें सरकार कुछ करता तब करना चाहिए, करना चाहिए, अगर आज उनको ओवैसी को जेल में डाल देगा तो यही लोग कल्चर होने लगेंगे, केजरीवाल पे तो अत्याचार हो ये रहा था, उनके क्या कहते हैं हेमंत सोरेन पे हो ये रहा था, आज मनीष सिसोदिया पे हो रहा है, अब देखिए ओवैसी को भी जेल में डाल दिया है, अभी ओवैसी जी ने नारा लगवाया, ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिल में तकलीफ हुआ है, अबे भाई चलो मैं मान रहा हूँ वो कानून में कोई सजा है तो उसको दिया जाएगा, मान रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिया जाएगा ठीक है, यही बात है ना, बिल्कुल, अभी पार्लियामेंट के अंदर एक जने हिंदू राष्ट्र भी बोला है, उसके लिए क्या बोल लोगे, हिंदू राष्ट्र तो बोलो बिल्कुल, वो क्यों नहीं बोल सकता, मेजोरिटी वाले हैं, अच्छा बिल्कुल बोलेंगे, बोल सकते हैं ना, हम तो अभी भी बोलेंगे, बोल सकते हैं, अभी भी बोलते हैं, जय हम भी बोल सकते हैं, ओवैसी जो बोला अच्छा करा है, फिलिस्तीन जय, हाँ बोला अच्छा करा है, दूसरे देश का तू मान सकता है भाई, संविधान का जानकारी होगी आपके पास, वो संविधान देश का अपने देश का होता है, भाइयों अपने देश में बहुत समस्या, अपने देश की बात कर लो, देश कोई बात नहीं कर रहा है, सब आपस में लड़े हुए हैं, नहीं बोलेगा, अभी कल रात को एक जने को बोला रोजगार महंगा है यहाँ,
ये महंगाई है, कह रहा पाकिस्तान चले जाओ सारे जिसको महंगाई लगे। तो मैंने बोला मैं जाना चाहता हूँ जिस देश में भेजेगा उसकी मुंह बंद हो गया। चल महंगाई के लिए बोल, महंगाई है नहीं है? बिल्कुल है, है ना? बिल्कुल होगी महंगाई, महंगाई होगी, आर्थिक आर्थिक स्थिति बढ़ेगी सबकी, आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, पुल पुलिया सड़क रोजगार में सब चीज होगा, देश में इम्प्लांटेशन होगा, देश में दूसरा देश निवेश करेगा तो महंगाई होगा। चढ़ते थे पैदल सीढ़ी से, चढ़ते हैं लिफ्ट वाले सीढ़ी से तो महंगाई होगा कि नहीं होगा? आज थोड़ा सा पैसा होता है सोचता है कि अभी 3 घंटा में दिल्ली से लंदन चले जाएंगे तो महंगाई नहीं होगा? मतलब पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, महंगाई नहीं चाहिए आप सरकारी स्कूल में? अभी किसी का डिलीवरी होगा तो लेके जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन चाहिए इनको सरकारी स्कूल। अपना कुछ होगा तो चाहिए दमाद, चाहिए सरकारी नौकरी वाला। अच्छा। बाकी सारा काम प्राइवेट करेंगे ये लोग, तो सरकारी ये चीजें सरकार मुफ्त, आप मुफ्त का सपोर्ट करते हैं, आपको चाहते हैं कि मुफ्त। और ये कहते थे कि हम ये बोला महंगाई बिल्कुल होगी, जनसंख्या अभी जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आ जाएगा ये लोग कल से रोने लगेंगे बाप रे जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आ गया। आप ये भी तो कहिए चाइना का टक्कर दे रहे हैं जनसंख्या में, हमारे हिसाब से ये सब सही चल रहा है तो जनसंख्या के हिसाब से बिल्कुल सही है। इस देश की आबादी 70 करोड़ आबादी को टालने के लिए था, 150 करोड़ आबादी हो गया देश का, जानकारी नहीं है? जनसंख्या कानून जो आ रहा है ना अच्छा है, इधर सुनो इधर सुनो, जनसंख्या कानून जो आ रहा है ना अच्छा है, कानून बनाने से भी कोई फायदा नहीं और बन जाए तब भी कोई फायदा नहीं है। पता क्यों? लोग समझदार हैं, पहले के जो हार धराम के जो बड़े बुरे थे ना, बड़े बुरे थे उनको जानकारी नहीं थे। आज के जो नए नए बच्चे जो है अभी उबाल लड़के हैं जो भी शादी करते हैं ना, वो एक दो अच्छा दो बच्चे से ज़्यादा चाहते ही नहीं है। क्यों? हाँ पहले के लोग जो चीज करके किया गलती, आपके नौजवान नहीं करता, समझदार है। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, नौजवान से, जे आप एक बच्चे में खुश है, दो बच्चे में खुश है, 10 बच्चे में घुस है, पता है क्या बोलेगा? हम तो 2 बच्चे में खुश है, 1 बच्चे में घुस है, हम अच्छे परवरिश करें। क्यों? लोग समझदार हो गया। कानून तो ऐसा बनाओ जो जगह जगह में हमला हो रहा ना उसको पकड़ो और ऐसा जगह बिग सड़क पे मारो, कोई भी कौम का हो, किसी का मजहब का भी कभी गलत काम ना करे, ऐसा कानून बनाओ। अब तुम कानून बना रहे हो ऐसा ऐसा कानून जो जनता को फायदा नहीं है। कैसा कानून? एक कानून का नाम बताइए, कैसा कानून जिससे जनता को फायदा नहीं है? अच्छा बताइए कैसा कानून? अभी कश्मीर में जो है कौन से कानून है बता? कौन सा कानून बताइए ना, आप बताइए, आप हमको नहीं है पता, नहीं, आप बताइए तो क्या? अगर मैं बताऊंगा तू बोलेगा नहीं। हाँ हो गया, क्योंकि आपको व्हाट्सएप 370 हटाने से तेरा क्या फायदा है? कौन सा 370 का कौन पार्ट हटा, ये भी है उसमें कौन सा हटा? फायदा क्या है बता? हो गया, अबे 370 देश का फायदा नहीं है, देश का फायदा हो गया कहां से? आपको पता ही नहीं, बेवकूफ बना रहा, बेवकूफ पता ही नहीं, ये हटाया भी नहीं हटाया आपको, हाँ पता ही नहीं है, खरीदने के लिए हो गया इसलिए नहीं है। वो जमीन पता है कौन खरीद रहा है? पता भी है, अंबानी अंबानी आपको बता देते हैं, अंबानी अंबानी किसी भी देश का अर्थव्यवस्था उस देश का बिजनेसमैन संभालता है, चीज जा करके जानकारी लीजिए। अच्छा। आपको पता नहीं है, हमें आपको नहीं पता। बता देते हैं, आज अमेरिका का राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन, वो एलन मस्क को अपने फंड से पैसा दिया हुआ है। अच्छा। जा करके पता करिए। अच्छा, अच्छा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश में व्यापार वाले आदमी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मजबूत है सेना, मजबूत क्यों बोल रहे हैं? मजबूत है, मजबूत की क्या जरूरत है? सेना मजबूती होता है देश का, मजबूत है। अरे महाराज जानकारी नहीं है, जानकारी मेरे को है। देश एक पार्ट में मजबूत नहीं होता, सिर्फ सैनिक को लेकर के देश मजबूत। अच्छा। नहीं है, अर्थव्यवस्था में भी मजबूत होता है देश, देश का वो ऐसे वर्ड में अभी अग्निवीर का जो कर रहे तो मजबूत कर रहे थे सेना को। क्या होता है अग्निवीर? अग्निवीर का शुरुआत क्या हुआ बताइए? अग्निवीर का तो मजबूत नहीं कर रहा। क्या होता है अग्निवीर बताइए? कह रहा हूँ ना, मजबूत नहीं कर रहा, सेना को कमजोर कर रहा भाई। यही अग्निवीर पे ज्ञान देंगे इनको, अग्निवीर के बारे में पता नहीं होगा, पूरे डिटेल बताऊंगा क्या हुआ मुझे बताइए। कब हुआ अग्निवीर का स्थापना? कब? अच्छा है अग्निवीर का, अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल तेरे लिए है ना, बिल्कुल सब तू मानता है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब क्या कर लेगा बोल? आपके लिए जानता है, जानते नहीं है इसीलिए नहीं अच्छा है। हम क्या करेंगे? जिसको अग्निवीर में जाना होगा जा रहा है, मेरा खुद दोस्त जा रहा है, बहुत बहुत कोई भी नहीं जा रहा, झूठ बोल रहा, बात करवा दें। अबे झूठ बोल रहा है, अरे नहीं बोल, तू झूठ बोल रहा, रुकिए बात करवा दें, झूठ बोल रहा तू, रुकिए रुकिए रुकिए, बात करवा दें, झूठ बोल रहा है। अभी कोई नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा, जब से कानून बना, नहीं जा रहा, जब से कानून बना हुआ है यही बात है। अग्निवीर पता नहीं है, सेना आर्मी कब इस देश में स्थापना हुआ पता नहीं है। चश्मा होता है भाई, सेना को कमजोर मत कर, कैमरामैन फोकस कर, हमारा सेना बहुत मजबूत है, पता नहीं है, हिंदुस्तान का सेना मजबूत है, सेना मजबूत तो है, इसीलिए कश्मीर में रोज हमले हो रहे हैं, सेना मजबूत का प्रमाण है, तो पता है, मजबूत है,
सेना तो मजबूत हो रहा है भाजपा के राज में, आप देख लीजिए। देशद्रोही बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? देशद्रोही हैं हम, देशद्रोही हैं। हम ही बोले थे अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, हम ही बोले थे देश को रेस्ट पे बता है। सुनो जहाँ ये खुद ही कह रहा सेना मजबूत है और हुआ हालात सही नहीं है, जिम्मेदार कौन है बताइए? हम तो कहते हैं सेना को मजबूत करो। तो यही पे जो है हम अपना जो मुद्दा लेकर आए थे संविधान के ऊपर, जो अपना मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ हमने देखा जनता के बीच जो है काफ़ी आरक्षण से लेकर काफ़ी छोटे मोटे जो है अब पॉपुलेशन को लेकर भी जो है इन लोगों ने अपना मुद्दा छेड़ा है, और किस हद तक जो है लड़ाई यहाँ छिड़ गई है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इस तमाम ऐसी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। इसी साथ कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुम्बिका।